बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये 24वां अध्याय है, मणिग्राम शुद्ध के पाप नाश की कथा, वे दीप दान की महिमा। मणिग्राम बोला, हे विप्रो, मैं अपनी भार्य सहत चमत्कार पूर्ण नाम के नगरी में रहता था। मैं धनी परोप कार्य और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्री गामी हो गया और अपिय वस्तुओं मंदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी हिस्सा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई बांधुओं ने ले ली। इसी तरह सब से तिरस्कार होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यह जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीवी जीव का चला रहा हूँ। हे जिद्र, मुझे पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्य कारों के फल से आप के इस वन में दर्शन मिले हैं। हाँ मुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दरिद्रता वे दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग अतिथि का सत्कार करें, जो कृतार्थ तुमने किया है इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत तीर्थ दान दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी स्त्री सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश हो प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीप को का करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इसे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वे में दीपक जला कर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यह उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वह सभी पुरुषोत्तम मास में दीप दान की सोहरवी कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की सोलवी कला के योग्य नहीं है। योग ज्ञान संख्या सारे मंत्र इसे पुरुषोत्तम के दीपक की सोलवी कला से भी नमन है। कृच चंद्र नारायण आदि व्रत इसकी समेता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन गया का श्रद्धा
गोमती नदी के तट का वास, सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य ही करना। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हाँ, वत से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रसन्नता करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कह कर वे श्रेष्ठ विप्र शूद्रभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रिय गैराज की ओर चले पड़े। दोनों पति पत्नी भी उसे उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वह दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट गए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भगत के साथ 2 मास बीता। दिन पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से गोदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वल वलित किया और व्रत नियम से रह कर उन्होंने संपूर्ण मास पियतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और इस वर्ग में जा पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत मुनि पर पुनः जन्म प्राप्त किए। ये सब उपदेव की कृपा से हुए। तुम्हें राजा वीर बाहु के पुत्र चित्र बाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्राम हो परसोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। श्री परसोत्तम के दीप दान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाने चाहिए। वाल्मीकि जी बोले। चित्र बाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कह कर अगस्त ये मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चले गए। ये 24वीं कथा पूरी होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।